हेलो गाइस, मैं सोहेल नागौरी आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल जिसका नाम है सक्सेस ब्यूटीशियन। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम कंटिन्यू करेंगे टेंस को हमारे जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस लास्ट टाइम मैंने चला था सिंपल प्रेजेंट टेंस और आज बात करेंगे पास्ट की। पास्ट मतलब बीता हुआ कल, आने वाला कल नहीं। क्या होगा? बीता हुआ कल, वो कल जो चला गया। क्या हो गया? वो कल जो चला गया, ऐसी बात जो हमने पहले कर लिया, ऐसा या काम जो हमने पहले कर लिया, उस बात को हम किस टेंस में लिखेंगे? सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। चलो, तो लास्ट टाइम मैंने जिस तरह बताया था आपको कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको अगर आपको लिखना है, बोलना है, तो किस चीज की जरूरत है? तो सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य रचना की। मैं हर बार बात कर रहा हूँ तुम्हारे को, सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य रचना, ये तुम्हारे को याद रखना ही पड़ेगा। तीन तरह की सेंटेंस फॉर्मेशन होती है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है क्वेश्चन। हम हाँ में भी बात करते हैं, ना में भी बात करते हैं और सवाल भी पूछते हैं। चलो, तो मैंने तीन सेंटेंस फॉर्मेशन लिख दी, एक पॉजिटिव लिख दी है, एक नेगेटिव लिख दी है और एक क्या लिख दी मैंने, क्वेश्चन लिख दी है। चलो पॉजिटिव की बात करते हैं, तो मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन वाक्य रचना लिखी है। सब्जेक्ट, एस मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट वी टू, प्रेजेंट टेंस में आया था वी वन। यहाँ पर हम बात करें पास्ट टेंस की, जिसका क्या आया है उसके अंदर V2, V2 means भूतकाल का रूप। कौन सा रूप? भूतकाल का रूप, क्रियापद का दूसरा फॉर्म, क्रियापद का दूसरा स्वरूप। And after that आ जाएगा ऑब्जेक्ट, O means ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या रहेगा? अदरवाइज। ये हमारे हो गए सेंटेंस फॉर्मेशन किसकी? तो सिंपल पास्ट टेंस की, पॉजिटिव। अगर इसको बात करें हम गुजराती में, तो गुजराती माने शू केवल, तो गुजराती माने आपने कैसू, कर्ता प्लस क्रियापद भूतकाल रूप प्लस कर्म प्लस अन्य शब्दों। कई वाक्य रचना तो पहले हकार वाक्य रचना की बात है, कई बात थी हकार वाक्य रचना की बात है। हेलो, तो आज देखिए सब आप लोग पॉजिटिव क्या हो गया हमारी, ये पॉजिटिव सेंटेंस फॉर्मेशन। उसके बाद बात हो जाएगी नेगेटिव की, किसके बाद हो जाएगी? नेगेटिव। चलो नेगेटिव की सेंटेंस फॉर्मेशन वाक्य रचना हम चेक कर लेते हैं। एस मीन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदरवाइज। चलो, तो एक बार तुम्हारे को बता दूं, प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हमने V1 की बात करी थी उसके बदले मैंने यहाँ पर V2 यूज करा, ये बात सही है बरोबर। फिर जब मैंने नेगेटिव उसके अंदर लिखा था तो उसके अंदर डू डस के साथ V1 लगाया था और यहाँ पर आ रहा है डिड के साथ V1। बोला अभी भी बोला तुमने कि पास्ट के अंदर V2 यूज होता है तो यहाँ पर V1 कैसे आया? ये सोचने वाली बात है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पर कि जो डिड है, DID शायद नाम सुना हुआ तुमने, डांस इंडिया डांस, वो वाला डीड नहीं है बरोबर। यहाँ पे डीड जो यूज करा है ये क्रियापद का रूप है, जिसे बोलते हैं ना डू मीन्स करना। क्या होता है? डू मीन्स करना, डीओ मीन्स डू बरोबर, डू का मतलब क्या होता है? करना। यहाँ पर उसका पास्ट टेंस V2, डू V1 है, उसका पास्ट टेंस हो रहा है डीड। तो अगर एक बार सेंटेंस में अगर V2 आ जाता है तो दूसरी बार हमें क्या यूज करना पड़ेगा? V1। ये जो डीड है वो डू का V2 है, क्या है? डू का भूतकाल का रूप है, इसलिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा पर हमें V1 यूज करना पड़ेगा। ये रूल है कि कभी भी सेंटेंस में दो बार V2 नहीं आता बराबर। चलो, तो ये V2 एक बार यूज हो गया तो फिर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? V1। कब? नेगेटिव फॉर्म में, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन, नेगेटिव वाक्य रचना, उसके अंदर हमें क्या यूज करना पड़ेगा? V1। चलो, फिर बाद में बात करते क्वेश्चन की। क्वेश्चन मीन्स सवाल, प्रश्न बराबर। तो आपने सादा भूतकाल में सिंपल पास्ट टेंस में जो आपने प्रश्न पूछवो हो तो शू करवानो? आ वाक्य रचना फॉलो करनी पड़े। चलो क्या लिखा हुआ यहां पर? डिड प्लस एस, एस मींस सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, लास्ट में लगा देना क्वेश्चन मार्क। ये हमारे हो गए क्वेश्चन वाली वाक्य रचना। तीन वाक्य रचना हमने यहां पर देख ली। चलो, अब बात करते हैं सिंबल की। किसकी बात करते हैं हम? सिंबल की। सिंबल मींस निशानी। सिंपल पास्ट टेंस को याद रखना है कैसे, कैसे, कौन सी चीजें जिससे हम याद रखें? यहाँ पर मैंने चार चीजें लिखी हुई, यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स गई काल, ऐसा कल तो चला गया, लास्ट, लास्ट मतलब पहले का, बिफोर मतलब भी पहले, और प्रीवियस मतलब भी पिछला वक्त बरोबर। तो ये जो चार वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हुए, ये चार वर्ड हमें बताएंगे कि ये कौन सा टेंस चल रहा है, सिंपल पास्ट टेंस चल रहा है बरोबर। अगर ये चारों में से कोई भी एक सेंटेंस तुम्हारे को, एक वर्ड वहां मिलता है तो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस बरोबर। चलो, तीनों वाक्य रचना देख ली। अब हम बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल सॉल्व करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कैसे टेंस कब बनाया है, क्या बनाया। चलो, तो वन बाय वन हम सेंटेंस सॉल्व करते हैं। एग्जांपल पहला लिखा हुआ है, हूँ कांकरिया गयो हो, तो गुजराती में लिखा हुआ है, हिंदी में से बोलेंगे मैं कांकरिया गया था। देखो, यहाँ पर जाना काम आ रहा है,
तो टेंस की तुम्हारे को एक और बार वापस बता दूं मैं कि टेंस के अंदर अगर सेंटेंस में काम नहीं आता है तब तक वो टेंस बनेगा ही नहीं, अगर काम आएगा तो ही टेंस बनेगा, अगर काम नहीं आएगा तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। बरोबर, तो मैंने यहां लिखा एग्जांपल के हूं कांकरिया गयो हतो, है ना, कि मैं कांकरिया गया था। चलो सबसे पहले यहां पर नेगेटिव तो है नहीं कि हूं कांकरिया न गयो तो हम नेगेटिव यूज करेंगे, सवाल भी नहीं पूछा है। बरोबर, तो पॉजिटिव वाक्य होगा। चलो तो पॉजिटिव वाक्य के वाक्य रखना है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये वाली वाक्य रचना को फॉलो करके वहां पे रखते हैं। चलो सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट में कौन सी चीजें आती है, तो सब्जेक्ट में आता है आई वी यू दे ही सी इट और कोई नाम, ये सब क्या है हमारे सब्जेक्ट है, हिंदी में गुजराती में बोलो तो हमारे सब करता है, क्या है करता करने वाले। चलो यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, हूँ का इंग्लिश मतलब होता है आई, आई का भी सब्जेक्ट में समावेश होता है, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे आई। बरोबर, चलो फिर बात हुई है V2, V2 मीन्स काम, क्या हो जाएगा काम, तो सेंटेंस में से काम उठाओ। चलो हूं तो आई बना, बचा क्या काम करिया गयो हतो, तो गयो हतो गया मतलब जाना, जाना एक तरह का क्या है काम है, तो उस काम को हमें इंग्लिश में लिखना है और उसका V2 कर देना है, V2 मतलब भूतकाल का रूप लिखना है, पास्ट का फॉर्म लिखना है। चलो तो पहले जाने को हम इंग्लिश में बोलेंगे गो, G O गो, ये हमारा हो गया V1। अब इसे कई सारे वर्बों में जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि गो है तो गो का V2 क्या होता है, तो गो का V2 होता है वेंट, क्या होता है वेंट। ऐसे बहुत सारे वर्ड है वर्बों में जो मैं तुम्हारे को अगली वीडियो में एक पूरा चार्ट बना के तुम्हारे सामने पेश करेंगे, मस्त चीज है वो। चलो तो ये हो गया हूं का आई, गयो हतो का वेंट। बरोबर, चलो सब्जेक्ट आई आ गया, V2 वेंट आ गया, अब क्या बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब मैंने बोला था जेना द्वारा काम थतु हो, जिसके द्वारा यहाँ पर काम हो रहा है वो चीज हमारी ऑब्जेक्ट, हम कहाँ जा रहे हैं कांकरिया जा रहे हैं, तो कांकरिया है तो ही जा रहे ना। चलो तो क्या लिख देंगे आई वेंट कांकरिया, ये हमारा क्या बन गया सेंटेंस बन गया, कब बना जब हमने सेंटेंस फॉर्मेशन ध्यान में लिया तब, ये बना पॉजिटिव। चलो दूसरा, पहला लोगों ने होमवर्क पूरा न करियो, क्या लिखा हुआ है उन लोगों ने होमवर्क पूरा नहीं किया, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ पहला लोगों ने होमवर्क पूरा न करियो, देखो इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, न ना मतलब नेगेटिव नकार वाक्य, तो इसको हम किसमें लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन में लिखेंगे, नकार वाक्य रचना में लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट डिड नॉट बी वन ऑब्जेक्ट अदर। चलो तो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ पहला लोगो, तो पहला लोगो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे दे बोलेंगे, क्या बोलेंगे दे, तो ये हमारा क्या आ गया सब्जेक्ट आ गया। चलो फिर क्या रखना है डिड, ये भी रख दिया, फिर क्या रखना है नॉट, लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉट N40 नॉट कौन से नंबर पे लगता है, तीसरे नंबर पे लगता है। चलो तो वाक्य रचना के हिसाब से सब्जेक्ट आ गया दे, डिड आ गया, नॉट आ गया, अब क्या आ जाएगा V1, V1 means काम, यहाँ पर काम ढूंढो क्या है पहला लोग को ये होमवर्क पूरा न करियो, तो होमवर्क अपना काम नहीं है भाई, क्या काम है पूरा करना, पूरा करना क्या है हमारा काम है, तो पूरा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कंप्लीट, क्या बोलते हैं कंप्लीट, तो दे डिड नॉट यहाँ पर लग जाएगा कंप्लीट। बरोबर, चलो सब्जेक्ट आ गया, डिड आ गया, नॉट आ गया, V1 आ गया, अब क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जिना द्वारा काम दे, किसके द्वारा काम हो रहा है यहाँ पर होमवर्क के द्वारा, होमवर्क है तो हम पूरा करने वरना नहीं करते, चलो दे डिड नॉट कंप्लीट क्या आ जाएगा होमवर्क, तो ये हमारा हो गया नकार वाक्य। बरोबर, और लास्ट में क्या आ जाएगा लास्ट एग्जांपल है तीसरा, क्या लिखा हुआ है तमे खावानो खाई ले तू, सवाल पूछा है जैसे अभी अभी खाना खा गया मुंडे है, बाहर से कोई इंसान आ गया, मैं पूछा है क्या तुमने खाने का खा लिया भाई, ऐसा सवाल पूछा है ना, तो यूं नहीं बताना तुमने खाने का खा लिया, पूछना बताना नहीं है, पूछना है ऐसा सवाल कि तमे खावानो खाई ले तू, ऐसा सवाल बनाना है। चलो तो सवाल बनाएंगे तो सवाल वाली वाक्य रचना का यूज, चलो यहां पे क्या लिखा हुआ डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे डिड लगा देंगे, चलो लगा दे डिड। बरोबर, फिर सब्जेक्ट ढूंढना है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है तमे तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सामने वाले इंसान को यू बोलते हैं, डिड यू, चलो डिड आ गया सब्जेक्ट में से यू आ गया, V1 लगाना है, V1 means verb, V जहाँ पर भी देखो टेंस के अंदर V तो वो होता है काम, V का मतलब क्या होता है काम, चलो यहाँ पर काम क्या है खरीदी दू खाना है ना, तो खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ईट बोलते हैं, क्या बोलते हैं ईट, तो डिड यू ईट, और खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जो अपने खाना खा ले उसे बोलेंगे हम फूड, क्या बोलेंगे FOOD फूड। बरोबर, और लास्ट में क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है भाई, अगर वो तुम नहीं लगाओगे तो शायद तुम्हारे को रोंग दे दे,
लगा दिया चलो, तो ये वाक्य रचना फॉलो हो गई, डेट आ गया, सब्जेक्ट का यू आ गया, वी वन ग्रीट आ गया, ऑब्जेक्ट फूड आ गया, अदर वर्ड दिया हुआ ही नहीं है। हाँ, अगर अगर अदर वर्ड दे तो उसको कहाँ लगा देंगे, लास्ट में लगा देना है, बराबर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस, पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, क्वेश्चन मार्क भी आ गया। और मैं तुम्हारे को इसके आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ जो तुम्हें क्या करने पड़ेंगे, सोल्व करने पड़ेंगे, और हमारे व्हाट्सएप नंबर